तो गाइस आपको मेरी तरफ से एक चैलेंज है, आपको कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 3 टाइम बोलना है। मैं बोल के दिखाता हूँ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस किदा हो सारे, उम्मीद करता तुसी सारे ठीक ही होवोगे, तो ठीक होने भी चाहिए आ। तो गाइस अज दिन जिहड़ा आ, अज की वार आ, अज आ वेडनेसडे, बुधवार आ अज। तो अज मतलब मैं नहा के रेडी होया सी, मतलब रेडी करा यार, ये तो एक डायलॉग जहा बन गया, नहा के रेडी होया। मतलब जब अज मैं नहा के कपड़े चेंज कर लगा तो मैं जैकेट निकाली सी, एक तो शर्ट निकाली सी। तो गाइज मौसम इन्ना चेंज हो गया कि जैकेट पाउण की लोड़ ही नहीं पई, तो मैं कल शर्ट के विच इहदे विच भी मतलब इनर पाई है नाल, इहदे विच ही मैनू ठंड ठुंड लगनी बंद हो गई आ। तो मैं तुहानू भी सारयां नू मौसम चेंज ही लगता होना आ, अगे तो बहुत चेंज हो गया गाइज मौसम। तो होर थोड़े दिन तक तो मैनू लगता जैकटा जुकटा दोबारा स्टोर करनिया पैनिया, बैड वगैरह के रखनिया पैनिया। तो चलो हूँ देखते हैं पूरा दिन किदा है। हूँ मैं लंच कर लिया से, हूँ बुआ तो दादी जी लंच करते पे आ, दादू जी भी हूँ ही करके गए बाहर। हूँ इतने ब्लॉग बनाने का की रीज़न से, तुम भी कहते उन्हें भी इतने कैमरा ऑन कदों कर लिया। तो कुछ नहीं, हूँ ही ना थोड़ी देर पहला अर्नब के दादू जी का अज ना मूड नहीं ठीक से, वो पता नहीं कि असी बार बार पूछी जाने भी की होया की होया, बस ठीक आ ठीक आ ठीक आ। इदा ही अर्नब की मम्मी, उन्होंने तो मम्मी ने बिठा के पूछा भी दस तेनों की होया, है ना भी तेरा मूड अज ऑफ आ। तो वह भी कहते कुछ नहीं कुछ नहीं। तो बाकी हूँ तुसी आप ही देख के दस्यो ब्लॉग दे विच, मैं तुहानू सारे दिखाउणे आ भी किहड़ा किद्दां दा किद्दां नहीं, भी डिसाइड करो। अर्नब की बुआ का इहदा मूड तो ठीक ही लगता है ना, वैसे खा के हटी आ। अर्नब की दादी का मूड भी ठीक लगता आ, बस दादू दा ते मम्मा दा ठीक नहीं सी, इन्हां दा ठीक ही रहिंदा आ। मेरा भी वैसे तो ठीक ही रहिंदा आ, आ देखो तो मूड तो मेरा भी ठीक ही रहिंदा आ, साडा मूड तो खराब होंदा ही नहीं। साडा मूड उदों खराब होंदा जदों खराब होंदा, बिना रीजन तो खराब नहीं होंदा। मूड खराब होने का कोई रीजन होना चाहिए है ना, मूड तो खराब होंदा जे मूड खराब होवे, नहीं तो मूड खराब होना ही नहीं। साडा मूड इदां दा गाइज खराब हुंदा ही नहीं, वैसे कदी कदी हो भी जाता पर जे होवे तां, जे मूड खराब ना होवे तां साडा मूड खराब हुंदा ही नहीं। जिहड़ी गल मैं तुहानूं दसी सी ना, हुण तुसीं देख के आप ही डिसाइड करो। तो मैनूं दस्सिओ मैं सही कहिंदा सीगा ना, मेक ना तुसीं। हुण मैं गड्डी 'च बैठ गया सी ते अर्नब दी छुट्टी दा टाइम हो गया सी। ते गाइज बाकी जिदा तुहानूं मैं हुणे दिखाया सीगा थोड़ी देर पहलां कि अज अर्नब के दादू जी का मूड भी नहीं ठीक, अर्नब की मामा का मूड भी नहीं ठीक। तो सानू लेकिन समझ नहीं आई भी ठीक है क्यों नहीं, क्योंकि मैं भी गल्लां करता सी, मम्मी भी गल्लां करदे सीगे, अर्नब की बुआ ने भी साडे नाल गल की आपस दे विच, भी इन्हां नूं पता नहीं की होया आ, है ना। तो कोई ना कोई रीज़न तो होना आ, मे बी बाकी हुशियारपुर वालों सब ठीक होवे, कोई उधरों माड़ी खबर ना आई होवे, ते नहीं तो उदा का मूड खराब होने का कोई रीज़न नहीं बनता। तो बाकी तुसी भी देख के दसियो, मैनू अर्नब की मम्मा का मूड ठीक नहीं लगता सी ना तुहानू भी। तो हुण उन्नी देर मैं लैन चला अर्नब नू उहदे स्कूल तो, ते हुण मैं अर्नब नू उहदे स्कूल तो लैन जांदा पिया आ। जदों थोड़ी बारिश हो के हटती है ना फिर मौसम बहुत सही हो जाता है। हुण जिदा तुसी देख सकते हैं धुप किन्नी वधिया निकली है ना, आसमान स्काई किन्ना क्लीयर नज़र आ रहा है, ये सब बारिश तो बाद की गल ही आ। ते हुण ठंड भी ज़्यादा नहीं रही, मतलब जैकेट पाउण की जरूरत नहीं पई, ते मैं कल्ली शर्ट पा के, जिदा तुहानूं मैं दिखाया मैं कल्ली शर्ट पा के जा रहा हाँ। ते बाकी देखो रात की ठंड तो होनी आ, शाम नूं तां मतलब धुप निकल जांदी है, दुपहर नूं तां कोई ज़्यादा ठंड नहीं लगती, ईवन कि गर्मी लगन लग पाती। जिदा गड्डी दे विच आपां 10 कु मिंट बैठे रहिए ना किते धुप्पे खड़ी कर लईए तां फिर विच बैठिया नहीं जांदा। जिदा हुण भी मैं इस टाइम शर्ट दे विच आ तां गड्डी प्रोपर हीट होई पई आ, ते होर 2 कु मिंट तक मैं शायद एसी भी ऑन कर लैणा आ। ते बस मौसम दे नज़ारे आ पूरे। हुण मैं पहुँच गया गाइज अर्नब दे स्कूल, ते हुण उहने भी आ जाणा बाहर थोड़ी देर च। देखो हुण गड्डी च बैठ के एसी ऑन करदा पिया आ, इन्नी गर्मी हो गई गाइज। ये हुण असीं जांदे पए कविश ते बविश दे स्कूल।
ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਵਿਸ਼ ਬਵਿਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਤੇ ਅਰਨਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਵਿਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਇੱਧਰੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੰਗ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਖੜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਘਰ। ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ? ਹੋਸਟਲ। ਕਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ? ਕਾਰ ਹੋਸਟਲ। ਹੈ ਕਾਰ ਹੋਸਟਲ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਭਵਿਸ਼ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਬਤਾਓ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਹਮਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੇ ਪੈਸੇ ਕਟ ਜਾਏਗੇ। ਹਾਂ, ਅਕਾਊਂਟ ਸੇ ਪੈਸੇ ਕਟ ਜਾਏਗੇ ਜਬ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਸਸੇ ਕਟ ਜਾਏਗੇ, ਇਸਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਇਸਸੇ। ਔਰ ਜਾਮ ਪਰ ਛੂਏਂਗੇ ਹਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਮ ਪਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਮਨੇ ਕਿਹਾ। ਜੋਨ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਥੀ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲ? ਹਾਂ ਵੋਹੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਮਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਬੇਲਪੁਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੀਲਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਇੰਸਟਾ ਤੇ। ਨਵੀਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ? ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ। ਹੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਟਮਾਟਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਮਾਟਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫੇਕ ਖਾਂਦਾ, ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਦੇਖਿਓ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਈਜ ਹੁਣ ਅਰਨਵ ਚੱਲਾ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅਰਨਵ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਥ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ? ਗਾਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਥ ਆ। ਸਨਵ ਚੱਲਾ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਟੰਟ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਕਰ ਲਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੇਅਰ ਭਾਰੀ ਵਾਲਾ ਡਾਲਾ ਹੁਆ, ਗੇਅਰ ਰੇਟ ਰੇਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੇਅਰ ਛੋਟਾ ਡਾਲ ਲੈ, ਛੋਟਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਣੇ ਪੇ ਚੜੇਗਾ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਗਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ। ਦੇਖੋ ਗਾਈਜ਼ ਅਰਨਵ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਚ ਹੱਚ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਿੰਡੇ ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਾ ਲੈ ਚੱਕ ਮੈਂ ਕੰਬਦੇ ਕੰਬਦੇ ਨਾ ਲਿਆ।
तो गाइस आपको मेरी तरफ से एक चैलेंज है, आपको कच्चा पापड़ पक्का पापड़ तीन टाइम बोलना, मैं बोल के दिखाता हूँ। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पक्का। तेरे को अभी पूरा नहीं होया, चलो फिर चलो करो चलो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़ पक्का। अगर भी आपके अंगूठे में ये चीज है ना, आपके बहुत खुशी वाला घर है। फिर ये देखो, ये जो चीज है मतलब मेरे ये उंगलियों में नहीं है। एक मिनट ध्यान सही तरह दिखा गाइज। ये कहता जिहदे नेल्स इदा दे होण ओह नॉर्मल होंदे, जिहदे वाइट जां स्पॉट होवे ना विच ओह रेयर होंदा आ। ते अर्णव दे हैगा, अर्णव दिखाना जरा, ये अर्णव दे हैगा आ, मतलब रेयर। रेयर कौन होते है, स्पेशल। देख लो भाई अर्णव स्पेशल है। जोन से भी बच्चा रेयर है ना, वो मुझे कमेंट में बताए और अपना एड्रेस और अपना नाम भेजे। अच्छा अर्णव, मोटे पतले वाली कौन सी बात मुझे बता रहा था? जो पतले होते हैं मतलब वो इतने भी नहीं होते, जो मोटे होते वो बहुत अमीर होते हैं। अच्छा मतलब तू बहुत अमीर है। तो इसका मतलब तू मोटा है, तू बहुत अमीर है।